हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मकान दिखाने जा रहा हूँ। ये आलिशान मकान, और वैसे ही मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग भूल गए होंगे, मुझे वापस से याद कर लीजिए। मैं आपको मकान दिखाता हूँ। आपको याद है, ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये जो हमारा फ्रंट एलिवेशन है मकान का, सबसे पहले मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाऊँगा। और ये मकान काफ़ी अच्छा बना है। ये है एक आलिशान मकान, बहुत सुंदर है। इसकी फिनिशिंग अंदर से बहुत अच्छी हुई है, लेकिन नहीं, अंदर का नहीं, पहले हम आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम अंदर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये था फ्रंट एलिवेशन, और यहाँ से हम अंदर आ जाते हैं। तो जैसे हम अंदर एंटर करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको राइट हैंड साइड पे स्टेयर्स मिल जाएंगी, सीढ़ियाँ, जिसमें ग्रिल लगी है, काफ़ी अच्छी ग्रिल है। और ये सामने आपको मिल जाएगा बढ़िया सा विंडो, और ये विंडो है किचन का। और यहाँ से हम आ जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा सामान है जो अभी काम चल रहा है, कुछ रह गया है तो वो उसके लिए सामान रखा है। और यहाँ पर ये विंडो है, यहाँ से हम लेफ्ट साइड की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ से हम अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड पर आ जाएगा किचन, और यहाँ से आप इस तरफ टर्न होंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये आपका आ गया ड्राइंग रूम। और यहाँ से आप टर्न होंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेडरूम। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा सुंदर सा वॉल वेशन। और इसके बाद यहाँ पर आप अंदर एंटर होंगे, तो ये है टॉयलेट बाथरूम, जो यहाँ से अटैच्ड है। तो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा आप अंदर से देखेंगे। तो ये है हमारा किचन, जहाँ पर आप लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, मतलब यहाँ पर खाना बनता है, इसलिए ये किचन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सिंक बना है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस पर ये जो भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, आप लोग कमेंट में बता देना इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ से आप इस तरफ टर्न होंगे, तो आपको यहाँ पर ये सॉकेट मिल जाएगा। ये है जूसर के लिए है, मिक्सी के लिए है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसी के लिए होता है। और ये पॉइंट और किसके लिए होता है, उसी के लिए होता है। और ये विंडो, और उसके बाद और यहाँ पर हमारा आता है बेडरूम। तो ये बेडरूम है, अंदर से आप देख लीजिए किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है बेडरूम। यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे, तो ये लाइट ग्रे कलर का इधर पे पेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और यहाँ पर ऊपर वेंटिलेशन का स्पेस दिया है। और यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे, तो यहाँ पर हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम, जिसमें WC शीट है। और इसको मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे, तो यहाँ से आप अंदर एंटर होंगे, तो यहाँ बाहर से एंटर हो सकते हैं, और यहाँ से आप यहाँ से वापस आ सकते हैं। तो यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ, तो ये एरिया मैंने आपको पूरा कंप्लीट दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में, यहाँ से हम अंदर एंटर हो जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। एक मिनट, मैं ये बॉटल हटा देता हूँ, ये सब हमारी कारपेंटर के काम। अब सही आएगा व्यू। दोस्तों, मकान का वीडियो बनाते बनाते मैं भूल गया था कि मेरे को ये भी बताना है। तो हाउस का जो टाइप है 1 BHK है, और एड्रेस आपके सामने है, सॉफ्टवेयर रोड, वीर सावरकर नगर,
बरेली, और प्राइस देख लीजिए और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको लगभग पूरा कंप्लीट मकान दिखा दिया है ग्राउंड फ्लोर का, और ये सिंगल स्टोरी मकान है और काफ़ी अच्छा मकान है, और इस मकान का प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपने थंबनेल पर भी इस मकान का प्राइस देख लिया होगा। तो चलते हैं हम, आपको ऊपर का एरिया तो अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ऊपर हो सकता है बारिश हो रही हो। मैं आपको फ्रंट, यहाँ पर जो ममटी होती है उसका मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो चलते हैं, स्टेयर्स से यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ से कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ रहा है। ये है ममटी का एरिया, और यहाँ से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। ग्रिल का डिज़ाइन देख सकते हैं, स्टेयर्स किस तरीके का बना है वो देख सकते हैं, और यहाँ पर आप जा सकते हैं छत पर। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मकान बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।